Good morning, every viewers. Today we are going to study on the topics of minerals and power resources. Already you understood that minerals are the non-renewable resources and which are formed inside the earth or above the earth. Which means कि minerals जो हैं वो earth के interior side में बनते हैं और अर्थ के ऊपर भी हो सकते हैं. ये अर्थ के जो रॉक्स हैं उसके साथ मिले हुए भी हो सकते हैं. तो इसमें आज हम पढ़ेंगे साल्ट और कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स. जितने भी मिनरल्स हैं उसे हमने कंप्लीट कर दिया है पिछले वीडियोज में. अब बच गया था सिर्फ साल्ट, तो उस पर देखते हैं. साल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेक रॉक्स एंड सीज. मतलब ये कि साल्ट जो है वो हमें प्राप्त होता है लेक से, रॉक से एंड सीज से, मतलब समुद्र से, ओशन से. इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स वी सी अराउंड अस. इसका यूज जो है वैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने में होता है जिसे हम अपने आसपास देख सकते हैं. जैसे कि सच एज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है, ग्लास इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है, रबर इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज होता है एंड लेदर इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज होता है. वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये पाया कहाँ कहाँ जाता है, तो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखेंगे तो चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ साल्ट विच अकाउंट अप्रोक्सीमेटली 22% एंड अबव. मतलब चाइना जो है अब दुनिया का सबसे बड़ा साल्ट प्रोड्यूसर कंट्रीज है जो अकेले 22% से अधिक साल्ट प्रोड्यूस करता है. उसके बाद इंडिया है जो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. उसके बाद यूएसए, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, चिली, यूएसए, तो ये सारे कंट्रीज भी इसके प्रोड्यूसर हैं. इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन की बात जब हम इंडिया में हम करते हैं तो इंडिया तो अभी अभी हमने देखा कि इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना. और साल्ट डिपोजिट्स अकर इन कोस्टल रीजन. साल्ट जो है जनरली वहां अकर होता है जो जहाँ कोस्टल एरियाज होता है, कोस्टल रीजन्स में ये अकर होता है. तो कोस्टल रीजन्स मतलब जो ऐसा एरिया जो समुद्र के किनारे हैं, तो गुजरात समुद्र के किनारे, तमिलनाडु समुद्र के किनारे, आंध्र प्रदेश समुद्र के किनारे, महाराष्ट्र समुद्र के किनारे. तो मीन्स गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र, इन दीज स्टेट्स वेयर साल्ट आर प्रोड्यूस ऑन अबंडेंस अमाउंट बिकॉज दीज आर वेरी क्लोजर टू द ओशन. And apart from this, the Rajasthan is also the salt producer, while Rajasthan have no any connection with sea or ocean. But Rajasthan have a significant producer of salt also. Because in Rajasthan region, मतलब ये राजस्थान किसी समुद्र के किनारे नहीं है, मगर राजस्थान में लार्ज स्केल पर नमक बनाए जाते हैं. एक्चुअली वहां पर जो नमक बनाए जाते हैं वो रॉक के रूप में नमक पाया जाता है. वहां पर ओशन नहीं है लेकिन नमक का रॉक होता है, चट्टान होता है जिसको काट काट करके हम यूज करते हैं. तो ये रॉक आपने कभी सुना होगा, सेंधा नमक घर में यूज होता होगा, पूजा पाठ वगैरह जब दिन होता है तो सेंधा नमक का यूज होता है, वो रॉक फॉर्म का नमक है. दूसरी ओर आप काला नमक यूज करते होंगे, वो भी रॉक फॉर्म्स का नमक है. तो ये जो सेंधा नमक और काला नमक है वो राजस्थान का प्रोडक्ट है. ऐसे हमारे देश में लार्ज स्केल पर जो सेंधा नमक है वो पाकिस्तान से मंगाया जाता है. इसके बाद जो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स का कंजर्वेशन मतलब संरक्षण करना जरूरी है. क्यों? क्योंकि मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस. मिनरल्स जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, इसका नवीकरण नहीं होता है. इसीलिए मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, इसके मतलब ये एंड ये अनवीकरणीय संसाधन है. एंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज स्लो एज कंपेयर्ड टू द रेट ऑफ कंजम्पशन. इसका जो फॉर्मेशन का रेट है काफी स्लो है इसके कंजम्पशन की तुलना में. ये मतलब इसका जो बनने की प्रक्रिया है, बनने का जो रेट है वो इसके उपयोग होने, उपभोग होने की तुलना में काफी कम है. जैसे
फॉर्मेशन रिसोर्स को फॉर्म होने में मिलियंस ऑफ इयर्स लगते हैं, बिलियंस ऑफ इयर्स लगते हैं मिनरल्स को फॉर्म होने में, वही मिनरल्स को खर्च होने में जो है बहुत कम समय लगते हैं। तो इसीलिए इसे कंजर्व करना बहुत जरूरी है। उसके बाद इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू द यूज दीज रिसोर्सेज ज्यूडिशियसली विथ मिनिमम वेस्टेज वाइल माइनिंग। मतलब ये बहुत जरूरी इस बात की है कि हम रिसोर्स का जो है एक उचित तरीके से ही यूज करें, साथ ही साथ इसका कम से कम इसे वेस्ट होने दो। जब हम माइनिंग कर रहे होते हैं, माइंस आउट करके बाहर निकालते हैं, तो कम से कम इसको वेस्ट करें, ऐसी पॉलिसी अपनाएं, ऐसा सिस्टम अपनाएं जिससे ये कम से कम वेस्ट हो। अगला है, रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स इज अनदर वे फॉर कंजर्विंग द मिनरल रिसोर्सेज। मतलब रिसाइकलिंग जो है पुनर्चक्रण, जैसे लोहा का कोई सामान है वो पुराना हो गया, अब उसको गला करके फिर दूसरा सामान बना लें, तो ये रिसाइकलिंग हुआ। तो मेटल जितना भी है, धातु जितने भी हैं, चाहे लोहा हो, तांबा हो, कॉपर हो, जो भी हो, पीतल हो, ब्रास हो, तो इन सबों को हम रिसाइकलिंग भी करके हम इसे कंजर्व कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, हम साल्ट एंड कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स को पढ़ना था। अगले क्लासेस में, अगले वीडियोज में हम पावर रिसोर्सेस पर या एनर्जी रिसोर्सेस पर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।